राजस्थान बोर्ड पेपर पर बड़ी खबर, दसवीं और बारहवीं के विद्यार्थियों को आखिरकार रात की खबर मिल गई है। दसवीं और बारहवीं विद्यार्थी तैयार रहे, शिक्षा विभाग राजस्थान के द्वारा जारी किया गया एक नोटिस। राजस्थान बोर्ड जो परीक्षाएं हैं, शेष पेपर है, उस पर एक बड़ा सा छोटा सा अपडेट और दसवीं और बारहवीं के फाइनल उन विद्यार्थियों के लिए रात की खबर है। अब आपके जो भी डाउट्स हैं कि प्रमोट कर दिया जाएगा या नहीं कर दिया जाएगा, मतलब उनको जो डाउट्स को क्लियर कर दिया गया है, अब आपको 8 जून 2020 या आज 7 जून 2020 अभी से आपको अपने कार्य में लग जाना है। आज की वीडियो में अपडेट देने वाला हूँ, बिग न्यूज बताने वाला हूँ, बस वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। अब कल सोमवार से कुछ चर्चों के शर्तों के साथ जो है लॉकडाउन को कुछ शर्तों के साथ छूट दी गई है। कुछ होटल, अन्य अतिथि सेवाएं, रेस्टोरेंट व क्लब को, शॉपिंग मॉल्स और कई ऑफिस जो है वो कल से जो है वो इतने दिनों से दो तीन महीनों से जो बंद पड़े थे वो कल से आखिरकार खुल जाएगी। अब यहाँ पर दसवीं और बारहवीं विद्यार्थियों के लिए क्या अपडेट है मैं आपको बताने वाला हूँ। दसवीं और बारहवीं के सभी विद्यार्थी जो आपके मन में एक डाउट था जनरल प्रमोशन का, पहले बात को क्लियर कर दूं, शिक्षा विभाग के द्वारा अपडेट दिया गया है। हमने सरकार के द्वारा एक ऑर्डर पास करवा दिया है कि दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं शर्तों के साथ, पूरे शर्तों के साथ, और अशोक गहलोत जी ने उनको अनुमति स्वीकृत जो है वो दे दी है। अब शिक्षा विभाग क्या है, दसवीं और बारहवीं की परीक्षा करवा सकता है, उनको कोई भी संस्था, बड़ी से बड़ी संस्था रोक नहीं पाएंगी, चाहे कितनी ही मांग हो जाए जनरल प्रमोशन की। 18 जून से 2020 से पेपर स्टार्ट होकर ही रहेंगे, ये मैं आपको बता दूँ। तो आप सभी दसवीं और बारहवीं के बोर्ड विद्यार्थियों से मेरा एक विनम्र निवेदन है, अभी तक आपने अपनी जो स्टडी शेष पेपर की पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो कर दीजिए, क्योंकि पेपर जो है शेष पेपर है वो जरूर होंगे, ये मैं आपको बता दूं। तो दसवीं और बारहवीं के जो भी मन में डाउट थे कि परीक्षा होगी या नहीं होगी, क्या परिस्थिति बदलने पर क्या परीक्षा नहीं हो सकती, अब मैं आपको कल एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें बताऊंगा आपको बोर्ड परीक्षा देने कैसे जाना है, किन शर्तों का पालन करते हुए जाना है, क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, कैसे जाना है, और नए प्रवेश पत्र आएंगे या नहीं आएंगे, परीक्षा केंद्र कहां पर आपको जाना होगा, ये सब एक कल की वीडियो में आपको जरूर मिल जाएगा। लेकिन फाइनली डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का होगा सफाया। बस अपने क्वेश्चंस की फोटो खींचो और उसे क्रॉप करो, इसे सबमिट करो और सिर्फ 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सोल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेकर नीट, आईआईटी, जेई, मेंस एंड एडवांस लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप। दसवीं और बारहवीं विद्यार्थियों को मैं एक छोटा सा विनम्र निवेदन जरूर करूंगा, शिक्षा विभाग ने कह दिया है, हमने सरकार से खुद अनुमति प्राप्त कर ली है, हमें अब किसी की अनुमति प्राप्त करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम जो है ये बोर्ड परीक्षा है आयोजन करवा के रहेंगे, इतना खर्चा कर दिया है, अब ये जो दसवीं और बारहवीं की सभी बोर्ड के जो शेष पेपर है वो आयोजित करवा के रहेंगे। और आपको पता होगा तेलंगाना बोर्ड के जो है छात्रों को जो परीक्षाएँ थी वो स्थगित कर दी गई थी, अब उनको जो है जो परीक्षाएँ होनी थी उनको भी रद्द कर दिया गया है, उनकी परीक्षा नहीं होगी। लेकिन राजस्थान बोर्ड ने ये क्लियर कर दिया आज ही कि हमारी जो बोर्ड की जो परीक्षा है वो होकर ही रहेंगी। तो दसवीं और बारहवीं के सभी विद्यार्थी सुन लीजिए, अब आपको जनरल प्रमोशन वाला जो डाउट था अब हटा दीजिए, अब आपकी जो पढ़ाई है, स्टडी है, वो जरूर स्टार्ट कर दीजिए और आराम से, ठीक है, सुकुशल सकुशल जो है आपको परीक्षाएँ देनी है और आपके पेपर अच्छे होंगे। और जुलाई में ही जो है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मासिवो जो है रिजल्ट घोषित कर देगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी शिक्षा के प्रति पूरी लगन से वो कार्य कर रहे हैं और शिक्षकों की जो गैर शैक्षणिक कार्यों में जो ड्यूटी लगाई गई थी उनको भी जो है रद्द करवा दिया है। अब जो शिक्षक है अपने शिक्षा से जुड़े ही कार्यों में जो है अपने कार्य मतलब कार्य करेंगे, ये मैं आपको बता दूं। जो भी प्रमोट कर दिए उनके रिजल्ट निकालना और पढ़ाई से संबंधित जो शिक्षा से संबंधित जो कार्य है वो करेंगे। तो दसवीं और बारहवीं विद्यार्थियों के लिए फाइनल डाउट क्लियर हो गया है। आपको ये वीडियो चल गई, जानकारी चल गई, तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और दसवीं बारहवीं विद्यार्थियों के पेपर होने पर ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि जनरल प्रमोशन चाहिए एक डाउट था। लेकिन देखो, यदि आपको जनरल प्रमोशन मिल भी जाता है, बाई चांस नहीं मिलेगा, लेकिन मिल भी जाता है तो आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा उस सब्जेक्ट में फिर लिखा आएगा कोविड 19।
की वजह से उनको प्रमोट कर दिया गया है। पूरी आपकी जो मार्कशीट है आपके फ्यूचर पर एक दाग लग जाएगा। लेकिन ये सेल्स पेपर यदि आयोजित हो जाते हैं तो चाहे कितने कम नंबर आए लेकिन एक अच्छी वेरीफाइड जो है आपकी मार्कशीट हो जाएगी और आगे भी किसी जॉब के लिए आएगी। और जो होशियार जो टॉपर लड़के हैं उनके साथ अन्याय न हो ऐसे में बोर्ड परीक्षा जरूर आयोजित होनी चाहिए और कमजोर विद्यार्थी उनके लिए भी फायदा है, कई जॉब आ जाए, ठीक है ना। तो ये मतलब मार्कशीट का बहुत फायदा होता है, जितने पूरे एक साल पढ़ाई की है लगन से उनके लिए फायदा है, आप सभी विद्यार्थियों के लिए फायदा है। आपके फ्यूचर को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने छात्रों के हित को देखते हुए ये 10वीं और 12वीं के बोर्ड पेपर कराने का फैसला लिया है। अपडेट अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने सभी विद्यार्थियों दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, इसमें बहुत ही नॉलेज दी है। धन्यवाद। जय हिंद।